हल्द्वानी उप कारागार में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में सीबीआई ने चार बंदी रक्षकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। आपको याद है कि बीती 4 मार्च को काशीपुर निवासी एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप थे कि उसने पत्नी से मारपीट की और बेटी से छेड़छाड़ की है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 2 दिन बाद न्यायिक अभिरक्षा में हल्द्वानी उप कारागार में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बंदी की मृत्यु के बाद पत्नी ने जेल प्रशासन सहित पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मामले में निचली अदालत के आदेश पर बंदी रक्षकों समेत कुल 4 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले को बेहद गंभीर माना गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के क्रम में अब सीबीआई ने जेल के हेड गार्ड देवेंद्र प्रसाद यादव, बंदी रक्षक कीर्ति नैनवाल, देवेंद्र रावत और हरीश रावत के खिलाफ आईपीसी 302 यानी हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से हेमभट्ट की रिपोर्ट।